और फिर वो कहता है कि ये नहीं है कि मैं सिद्ध हो चुका हूं, मैं पा चुका हूं, कहता उस जीवन को मैं पाने के लिए, उस मुकुट को पाने के लिए अभी में मैं थोड़ा चला जाता हूं। क्या जाता हूं? थोड़ा चला, समझ रहे हो? ये नहीं है कि बपतिस्मा ले लिया और हमारी दौड़ खत्म होगी, हम स्वर्ग के अधिकारी बन गए। बाइबल बताती है जो अंत लास्ट तक हर एक चीजों को सहेगा वो ही जीवन के मुकुट का क्या होगा? हकदार होगा, समझ रहे हो? और हमने ऐसे ही, जैसे पौलुस कहता है, ये नहीं मैं सीख चुका हूं, जहां पा चुका हूं, मैं उस जीवन के उस मुकुट को पाने के लिए अभी भी दौड़ा चला जाता हूं, समझते हो? और बस अपने, ये नहीं है कि ये मेरी चंगियाई होगी, ये मेरा काम हो गया, बस ठीक है, बहुत है। जीवन एक लंबी रेस है और उसमें हमने दौड़ते चले जाना है। क्या जाना है उसमें? दौड़ते चले जाना। ये नहीं है कि ये काम हो गया, हाँ तो बस ठीक है, अब मुझे जरूरत नहीं। इसलिए लिखा है शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को समझ नहीं सकते, उसे समझने के लिए हमें आत्मिक बनना है। क्या बनना पड़ेगा? आत्मिक। और जब आप आत्मिक बनोगे अब फिर समझोगे परमेश्वर क्या चाहता है, हाँ वो किस मन से, किस विश्वास से मेरे जीवन से खुश होता है, तब आपको पता चलेगा। आमीन, हालेलुया। जब यीशु मसीह के 12 चेलों के बाद आगे आगे जब चेले की गिनती बढ़ी, तो एक बार यीशु मसीह ने कुछ चेलों की जब गिनती बढ़ गई तो यीशु ने ऐसे कहा कुछ चेलों को कि वास्तव में मेरा शरीर, मेरा मांस खाने की एक वस्तु और मेरा लहू पीने की वस्तु है। और उन चेलों ने कहा यह बहुत बहुत कठोर है, कौन इसका मांस खाएगा, कौन इसका लहू पिएगा, कौन इसका मांस खाएगा, कौन लहू पिएगा, ये कठोर बात है। चेलों ने कहा, लिखा सब उल्टे फिरे। क्या फिरे वो? सब चेले उल्टे फिरे, उल्टे। और यीशु मसीह ने एक बार भी उन्हें ये नहीं कहा, क्या नहीं कहा? एक बार भी ये नहीं कहा कि तुम क्यों जा रहे हो मुझे छोड़कर, जैसे आज जाते हैं लोग यीशु मसीह को छोड़कर, हाँ जाते हैं ना, कौन जाते हैं जो लोग किसको समझते नहीं, कौन लोग प्रभु को छोड़कर चले जाते हैं जिन्हें परमेश्वर के राज्य की समझ नहीं, कौन लोग अपना मन खराब कर लेते हैं जिन्हें कुछ समझ नहीं, शारीरिक इंसान, समझ आ रही? इसीलिए लोग यीशु को छोड़कर चले जाते हैं। ऐसे ही वो चले चले गए। तब पतरस आया और पतरस को यीशु मसीह ने कहा तू भी जाना चाहता है? उसने कहा नहीं प्रभु, अनंत जीवन की बातें तुम्हारे पास है, अब तुझे छोड़कर मैं किसके पास जाऊं? देखो, हाँ अनंत जीवन की, अनंत जीवन क्या है? सदा का जीवन, जो इस जीवन के बाद परमेश्वर हमें हर एक को स्वर्ग में देने वाला है, उसे बोलते हैं सतीपक जीवन। वो सबको देने वाला है जो उसे प्रेम करते और उसकी हर आज्ञा को मानते। इसलिए पतरस प्रेम करता था, क्या करता था? बहुत प्रेम करता था यीशु को। तो उसने कहा तू भी जाना चाहता? वो कहता नहीं, हाँ तुझे छोड़कर कहां जाऊं, क्योंकि अनंत जीवन की बातें तो तुम्हारे पास है। उसने कहा ही ऐसे छोना का पुत्र ऐसे करके बोला कि ये तू धन्य है, ये बात तुझ पर लहू और मांस ने नहीं, किसने प्रकट की है? स्वर्ग के परमेश्वर ने, इसलिए तू धन्य है। क्या है तू? ये बात लहू और मांस ने नहीं, तुझ पर किसने प्रकट की है? समझ रहे हो? और यही बातें वो लोग धन्य है जो, जिन पर कौन अपनी बातों को प्रकट करता है। ठीक है, सो बस ये हमारी तैयारी और इसमें हमने बढ़ना है। परमेश्वर के राज्य को हमने समझना है वो क्या चाहता है।